दोस्तों अभिनेता गोविंदा अपनी फिल्मों और लुक की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक मशहूर अभिनेता रहे हैं, जहां इनकी एक्टिंग के लाखों करोड़ों दर्शक दीवाने रहे हैं, तो वहीं इनके लुक पर भी काफी लड़कियां और बॉलीवुड की अभिनेत्रियां दीवानी हुई हैं, जो इन्हें दिल तक दे बैठी थी। लेकिन जहां कई अभिनेत्रियां इनकी दीवानी रही हैं, तो वहीं अभिनेता गोविंदा खुद ही एक समय पर बॉलीवुड की 8 अभिनेत्रियों से दिल लगा बैठे थे, जिनके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए थे। जी हां, तो आखिरकार वो कौन सी अभिनेत्रियां हैं जिनसे गोविंदा दिल लगा बैठे थे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके रूबरू होते हैं उन्हीं 8 अभिनेत्रियों से। नंबर 1, ट्विंकल खन्ना। सबसे पहले बात करते हैं अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना की। गोविंदा ने ट्विंकल खन्ना के साथ फिल्म जोरू का गुलाम में काम किया है। इस फिल्म में जब गोविंदा ने इन्हें देखा तो ये इनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए थे और इन्हें दिल दे बैठे थे। लेकिन ट्विंकल खन्ना तो किसी और से ही प्यार करती थी, इसी के चलते इनसे अपना प्यार कभी बयान नहीं कर सके। नंबर 2, रवीना टंडन। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर बात करते हैं अभिनेत्री रवीना टंडन की। तो आपको बता दें, रवीना टंडन गोविंदा के साथ फिल्म परदेसी बाबू में नजर आई थी, जहां साथ में काम करने के दौरान गोविंदा इनसे प्यार कर बैठे थे। लेकिन रवीना टंडन ने कभी इनके प्यार को समझा ही नहीं और मजाक में टाल दिया, जिसके चलते वो इनकी नहीं हो सकी। नंबर 3, मनीषा कोइराला। अब बात करते हैं अभिनेत्री मनीषा कोइराला की। तो आपको बता दें, गोविंदा की इनसे मुलाकात फिल्म महाराजा के सेट पर हुई थी, जहां ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड बन गए थे। मनीषा कोइराला हमेशा ही गोविंदा की केयर करती रहती थी और इनकी बातों को भी ध्यान से सुनती थी, और यही बात गोविंदा को अच्छी लगी, जिसके चलते इन्हें दिल दे बैठे। लेकिन मनीषा कोइराला से इन्होंने कभी भी अपने दिल की बात बयान नहीं की, क्योंकि अपनी इस दोस्ती को तोड़ना नहीं चाहते थे। नंबर 4, जूही चावला। लिस्ट के चौथे नंबर पर बात करते हैं अभिनेत्री जूही चावला की। बता दे, गोविंदा की इनसे मुलाकात फिल्म कर्ज चुकाना है के दौरान हुई थी, जहां ये जूही चावला के चुलबुली बातों और खूबसूरती से उनके दीवाने बन गए थे और उनसे प्यार करने लगे थे। लेकिन जूही चावला इन्हें सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड ही मानती थी और इससे आगे कुछ भी नहीं, जिसके चलते गोविंदा का दिल भी टूट गया था। नंबर 5, करिश्मा कपूर। लिस्ट के पांचवें नंबर पर बात करते हैं अभिनेत्री करिश्मा कपूर की। फिल्म राजा बाबू के सेट के दौरान गोविंदा इनकी खूबसूरती और अदायगी के इस कदर दीवाने बन गए कि इन्होंने फिल्म के सेट पर ही इन्हें प्रपोज कर दिया था और अपने दिल की बातों का इजहार किया। लेकिन करिश्मा कपूर इनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, उनके दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं थी, जिसके चलते ही इन्होंने के ऐसा प्रपोजल को ठुकरा दिया। नंबर 6, रानी मुखर्जी। इस लिस्ट के छठे नंबर पर बात करते हैं अभिनेत्री रानी मुखर्जी की। आपको बता दें, फिल्म हद कर दी आपने के दौरान गोविंदा इनके काफी ज्यादा करीब आ गए थे। इनकी ये करीबी दिन पर दिन बढ़ती गई और ये रानी मुखर्जी को दिल दे बैठे। लेकिन उस वक्त गोविंदा शादीशुदा थे और इस रिश्ते की वजह से उनकी पत्नी ने घर छोड़ने की हिदायत भी दे दी थी, जिस वजह से ही गोविंदा ने खुद ही रानी मुखर्जी से दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। नंबर 7, नीलम कोठारे। रानी मुखर्जी के बाद ये जिस अभिनेत्री को दिल दे बैठे थे, वो अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि अभिनेत्री नीलम कोठारी है। जी हाँ, नीलम कोठारी और गोविंदा के अफेयर्स के चर्चे तो दूर दूर तक रहे हैं, जहाँ आए दिन की इनके रिलेशन की खबर आती रहती थी, लेकिन ये इन्हें भी अपना ना बना सके। नंबर 8, फरहानास। इस लिस्ट के आठवें नंबर पर बात करते हैं अभिनेत्री फरहानास की। ये 90s की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मानी जाती है, इसी के चलते गोविंदा भी इनकी इस खूबसूरती पर काफी ज्यादा दीवाने बन गए थे और हमेशा ही इनसे इनकी खूबसूरती की तारीफ करते रहते थे, तभी ये इन्हें दिल दे बैठे थे। लेकिन फरहानास पहले से ही शादीशुदा थी, जिसके चलते गोविंदा इन्हें अपना ना बना सके। वेल दोस्तों, आप गोविंदा को इन अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री के साथ पसंद करते हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।